हेलो एंड वेलकम टू आवर शो जीले जरा, मैं हूं आपके साथ तमन्ना। फ्रेंड्स, आज फ्राइडे है और आज हम आपको देंगे आपकी खूबसूरती से जुड़े कुछ टिप्स जो होंगे एकदम रियल, क्योंकि ना तो इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आर्टिफिशियल कलर्स होंगे और ना ही अरोमा के लिए आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा ब्यूटी प्रोडक्ट है। ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं फ्रूट्स जो आपकी स्किन के लिए हो सकते हैं काफी बेनिफिशियल। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपके चेहरे को किस फ्रूट की जरूरत है, और इसी की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, नाम है इशिका। इशिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अच्छी सेहत के लिए फल और सब्जियां खाने के लिए हर डॉक्टर कहता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अच्छी स्किन के लिए फलों को खाना ही नहीं चेहरे पर लगाने से भी लाभ मिल सकता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। खूबसूरत बनने की चाहत हर किसी को होती है, और उसी खूबसूरत बनने की चाहत में कई बार हम कुछ कॉस्मेटिक्स का उपयोग कर बैठते हैं जो हमारी स्किन के लिए फायदा नहीं नुकसान बनकर सामने आते हैं। इसलिए फल और सब्जियां आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं, जो आपकी सुंदरता में तो इजाफा करते ही हैं, साथ ही आपके स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचाते हैं। फल और सब्जियां खाने में जितनी उपयोगी होते हैं और आपकी हेल्थ के लिए फायदेमंद होती हैं, उतना ही अच्छा रोल वो आपकी सुंदरता में भी प्ले करती हैं। दरअसल फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, पोटेशियम और जिंक जैसी चीजें भरपूर मात्रा में होती हैं, जो आपकी स्किन को काफी फायदा पहुंचाती हैं। कई फलों में बीटा कैरोटीन होता है जो रूखी त्वचा को नरम बनाता है और आपकी आंखों के नीचे काले घेरों को भी दूर करता है। यही नहीं, कुछ फल आपकी त्वचा के लिए ब्लीच का काम करते हैं और त्वचा को मुलायम भी बनाते हैं। इसी तरह से कई फल आपकी त्वचा में ग्लो लाने का भी काम करते हैं। कुल मिलाके अगर आप अपनी त्वचा को कुछ नेचुरल चीजों से खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आपके लिए फल काफी फायदेमंद हो सकते हैं। तमन्ना महाजन, जी मीडिया। तो अगर आपको भी कुछ किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम है, आप भी चाहते हैं आपकी स्किन में ग्लो आए, आपको लगता है कि आपकी स्किन लगातार डल होती जा रही है, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं इस कार्यक्रम के जरिए, क्योंकि हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है इशिका तनेजा जो कि हॉलीवुड रिटर्न ब्यूटी एक्सपर्ट है। इन्होंने कई हॉलीवुड पर्सनैलिटीज के मेकअप किए हैं, तो आप उनसे अपने सवाल कर सकते हैं। हम आपको टेलीफोन नंबर्स बता देते हैं, हमारे टेलीफोन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारा नंबर है 1800 4565 0120 24888881। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि आज हम बात करेंगे किस तरह से फ्रूट्स के लिए आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए, हमें इशिका तनेजा जी बताएंगे। इशिका, आपसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूंगी, फ्रूट्स खाने में ज्यादा फायदा करते हैं या लगाने में ज्यादा फायदा करते हैं? लगाने में और खाने में दोनों ही वो फायदा करते हैं, दोनों के पर्पस थोड़े बदल जाते हैं। जब आप खाते हैं तो अब्सॉर्प्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप जो फाइबर है फ्रूट का वो इंस्टेंटली आपको हेल्प करता है क्लेंजिंग आउट ऑफ द सिस्टम में, आपके टॉक्सिन्स निकालने में, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करने में। लेकिन जब आप निकालते हैं, जो टॉपिकल एप्लीकेशन होती है वो इंस्टेंट ग्लो, इंस्टेंट रिजल्ट्स भी आपको देते हैं। तो यानी कि आपके लिए फल जितने खाने में लाभकारी हो सकते हैं उतने ही बेनिफिशियल आपको लगाने में भी हो सकते हैं। और अक्सर कहा जाता है कि फ्रूट्स खाने चाहिए और फाइबर्स वाले फ्रूट्स ज्यादा खाने चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ आपकी स्किन को भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। आपसे जानना चाहेंगे इशिका, कौन सी ऐसी चीजें होती हैं, कौन से ऐसे फ्रूट्स हमें डेली रूटीन में लाने चाहिए जो हम डेली खाना चाहिए? सीजनल फ्रूट्स तो ऑब्वियसली वो हमें मिलते ही हैं, तो कौन सा ऐसा फ्रूट है जो हमें डेली रूटीन में लाना चाहिए? से कि हर फ्रूट अपनी जगह पे बेस्ट होता है, हर फ्रूट्स में काफी कॉम्बिनेशन होते हैं विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर के, तो आप उस हिसाब से उसको ले सकते हैं। लेकिन बेस्ट है कि आप हर रोज एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एंड फॉर ब्यूटी पॉमीग्रेनेट अनार बहुत ही फायदेमंद होता है, अगर आप उसको खाएं
तो कोलेजन इंक्रीज करता है, इलास्टिसिटी स्किन की इंप्रूव करता है, मॉइस्चर इंप्रूव करता है, स्किन में ग्लो लाता है एंड अगर आप वो हर रोज खाएंगे तो आप डेफिनेटली काफी देर तक यंग रहेंगे। और इसी बीच एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिंदर मोहाली से। वरिंदर अपना सवाल कीजिए। हाँ जी मैडम, हमने पूछना है कि मेरे ना स्किन पे ब्राउन ब्राउन से दाग पैदा आ गए हैं, बांह पे भी हैं, तो वो हम बाहर भी नहीं जाते, टेस्ट भी करा लिए तो कोई नहीं आई प्रॉब्लम, तो वो क्या लगाएं हम, तो क्या चीज खाएं कि जिससे कि वो कम हो जाए। आपके अगर ब्राउन स्पॉट्स फेस पे है या बाजू और घुटनों पे है? मुंह पे है जी, नोज के पास आस पास सारे। हाँ जी, तो ब्राउन स्पॉट्स के लिए आप कच्चा पपीता, एक्चुअली पिगमेंटेशन की आप बात कर रहे हैं, कच्चा पपीता में पैपेन होता है एंड पैपेन जब आप फेस पे लगाते हैं तो उससे ब्राउन स्पॉट्स काफी कम होते हैं, पर अगर आपके बॉडी में कहीं ब्राउन स्पॉट्स हैं, जो आप बोल रहे हैं एल्बोज और नीज, वो काफी डार्क है, उसके लिए आप ओट्स लीजिए, कच्चा दूध लीजिए और 2 चम्मच पाइनएप्पल जूस के साथ मिक्स कर और 1 चम्मच शहद, वो भी आप रेगुलरली लगा सकते हैं, उससे आपको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, संध्या छत्तीसगढ़ से। संध्या अपना सवाल कीजिए। संध्या अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो अपना सवाल आप कर सकती हैं। जी मैं ये बोलना चाहती थी कि चेहरे, हेलो जी संध्या, आपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आप म्यूट पे कर दीजिए ताकि हम आपको ठीक से सुन पाए। हेलो, लगता है संध्या से हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे ऑडियंस, अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, फोन कर रहे हैं, तो प्लीज टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आप कम कर दीजिए ताकि हम आपको ठीक से सुन पाए, नहीं तो आपकी कॉल कट सकती है। इशिका, हम लगातार बात कर रहे हैं ब्यूटी की, किस तरह से फ्रूट से हम ब्यूटी बढ़ा सकते हैं। आपसे ये चीज जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने बताया पिगमेंटेशन के लिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाय बर्थ हमारे अंदर होती हैं, कुछ चेहरे पे दाग ऐसा होते हैं, क्या वो भी कुछ कम हो सकते हैं फ्रूट से? सी आई वुड से कि वो नहीं हो सकते हैं। फ्रूट्स के अंदर ग्लाइकोलिक एसिड होता है, AHAs होते हैं, लैक्टिक एसिड होता है, काफी सारे तरह के एक्सफोलिएंट्स होते हैं जो आपके पिगमेंटेशन, आपके दाग धब्बे सारों को कम करते हैं, लेकिन जो बर्थ मार्क्स होते हैं आप उनको नहीं, फ्रूट से बिल्कुल भी नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि वो काफी डीप सीटेड होते हैं, स्किन के अंदर काफी डीप रूटेड होते हैं। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से, निशा नाम है इनका। निशा सवाल कीजिए अपना। हेलो मैम। जी जी अपना सवाल कीजिए निशा। मैम मेरे फेस पे बारीक बारीक रेड दाने दाने हो गए हैं, तो मैम उसको मैं कैसे रिमूव करूं? हाँ जी, रेड दाने क्या वो पिंपल्स हैं या फिर और उससे ज्यादा मोटे हैं? मैम पिंपल्स नहीं है मैम, ऐसा लगता है जैसे मच्छर काटा का जैसे निशान हो जाता है वैसे हो रहे हैं। हाँ जी, तो जो आप दानों की बात कर रहे हो, पहली बात आप उसको हटाने के लिए काफी ऐसी चीजें खा सकते हो जिससे एलर्जीज कम होती हैं, जिसमें से एक, लोगों को लगता है कि मैंगो से एक्चुअली दाने बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप मैंगोज को एक रात भिगोकर रखे उसके नेक्स्ट डे खाएं तो उससे इन्फ्लेमेशन एंड दानों में कम होता है एंड इम्यूनिटी बढ़ती है, तो अगर आपकी कोई भी एलर्जी हो रही है वो कम होगी। एंड अगर ऊपर लगाना है तो चेरीज को आप मैश कर लगा सकते हैं, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो दानों को कम करेंगी, आपकी जो इचिंग हो रही है उसको भी रिड्यूस करेंगी। और अगले कॉलर रामगढ़ से हैं, मासा सुखविंदर नाम है इनका। सुखविंदर अपना सवाल कीजिए। हाँ जी मैम, एक तो मेरी आंखों में डार्क सर्कल है काफी, और पहले मेरा रंग काफी फेयर था, अब रंग में काफी फर्क पड़ गया है। सी अगर आपका पहले फेयर रंग होता था एंड अब डल हो गया है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप रेगुलरली वाटर इनटेक काफी इंक्रीज करिए, 8 से 12 ग्लास पानी हर रोज पीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छी डाइट इम्प्रूव करिए, क्योंकि वो धीरे 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 आपकी स्किन में बेटरमेंट लेकर आएगा, लेकिन इंस्टेंट इफेक्ट के लिए आप जो पपीता होता है, पपीते को मैश कर और हनी को मिलाकर जो राइप पपीता होता है उसको लगाएंगे अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए, तो आपको डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड अगर पूरी बॉडी की बात करें तो आप एक पैक बना सकती हैं जिसके अंदर आप मुल्तानी मिट्टी, सैंडलवुड पाउडर, केओलिन पाउडर, कैलामाइन पाउडर, इन सबको मिक्स कर पाइनएप्पल जूस का 1 टेबलस्पून एंड मैश्ड टमेटोज, जो टमाटर होते हैं उसके अंदर लाइकोपीन होता है, आप उसको अच्छे से मैश कर वो भी खोलिए एंड
ऑरेंज जूस, अगर ऑरेंज जूस अवेलेबल नहीं है तो लेमन जूस आप इसको मिलाकर लगा सकते हैं। पहले लगाइए बॉडी पे, 10 मिनट वेट करिए, उसके बाद जब आप स्क्रब करके निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि आप काफी फेयर हो गए हैं। तो चलिए, तमाम यहाँ टिप्स हमें दिए जा रहे हैं, ईशिका हमें तमाम टिप्स दे रही हैं कि किस तरह से आप अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं, और वो भी किसी आपको पार्लर में नहीं जाना, ज्यादा आपको पैसे खर्च नहीं करने, आपको ज्यादा टाइम वहां पर कंज्यूम नहीं करना, सिर्फ आपको घर बैठे जो आपके घर में फ्रूट्स इजिली अवेलेबल हो जाते हैं या फिर मार्केट से आप ला सकते हैं उनको यूज करना है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपका स्किन टाइप कौन सा है और आपके स्किन को कौन से फ्रूट की ज्यादा जरूरत है। ईशिका, आपसे जानना चाहेंगे, कई लोगों को शायद पता नहीं होता उनकी ड्राई स्किन है या फिर स्किन नॉर्मल है या ऑयली है, किस तरह से इस चीज का पता लगाया जाए और फ्रूट्स कैसे काम करते हैं स्किन के लिए? वेरी नाइस क्वेश्चन। सी, जब आप रात को सोते हैं आप फेस वॉश करके सोइए, एंड जैसे आप सुबह उठेंगे हम उसको बोलते हैं टिश्यू पेपर टेस्ट। अगर आपकी स्किन थोड़ी खिंची खिंची लग रही है तो आपकी स्किन ड्राई है, अगर ज्यादा ही खिंच रही है तो ऑब्वियसली एक्सट्रीमली ड्राई है। अगर आप टिश्यू पेपर पर अपने फेस पे लगाइए, उसको टैप करिए, एंड टैप करने के बाद अगर आपको कहीं पे ऑयल दिखाई देता है तो आपकी स्किन ऑयली है, एंड अगर सिर्फ फोरहेड एंड नोज वाले एरिया में आपको ऑयल दिखाई दे रहा है तो आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है। एंड कैसे आपके फ्रूट्स कौन से स्किन के लिए प्रेफर्ड हैं, बेस्ट होता है एवोकाडो अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है। अगर आपकी स्किन ड्राई है बहुत ज्यादा नहीं है तो आप हनी हमेशा लगा सकते हैं, काफी हाइड्रेटिंग होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी स्किन काफी ऑयली है तो जितने भी फ्रूट्स है जिसके अंदर विटामिन सी होता है या टार्ट्रिक एसिड होता है, जैसे येलो एंड डार्क येलो फ्रूट्स, पीचेस हो गए, मैंगोज हो गए, लेमन्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, पम्पकिन्स हो गए, ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बरेली से एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आसमा नाम है इनका। आसमा, अपना सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल ये है कि हमारी जो स्किन है ना बहुत ज्यादा डल हो गई है और कलर जो है बहुत ज्यादा, हमारा जो पहले फेयर था लेकिन अब इस समय ऐसा नहीं है, हमारा कलर बहुत डल हो गया है और उसकी हमारी स्किन जो ऑयली भी है। अच्छा, सी, ऑयली स्किन के लिए एंड डलनेस के लिए कीवीज बहुत अच्छे रहते हैं। आप कीवीज को मैश कर लीजिए और उसके साथ थोड़े से ओट्स मिलाएंगे, एंड एक ऑयली स्किन है तो आप उसके अंदर 1 टेबल स्पून व्हाट यू कॉल ऑरेंज जूस वो भी मिला सकते हैं, एंड उसको आप अपने फेस पे रख लीजिए फॉर 10 मिनट्स, एंड आफ्टर दैट आप उसको स्क्रब करते हुए हटा सकते हैं तो आपकी स्किन स्मूथ भी हो जाएगी एंड आपके फेस में निखार भी दिखाई देगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो रोज वाटर अपने फेस पे लगा सकते हैं या फिर वाटरमेलन जूस। एक और कॉलर हमारे साथ है वाराणसी से, चिरंजीव नाम है इनका। चिरंजीव, अपना सवाल कीजिए। जी, अपना सवाल कीजिए। मैडम, कैरेक्टरिस्टिक्स के जो है वो चीक पर जो है हल्के हल्के पिंपल्स पड़ जाते हैं तो फिर वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाद में जो पहले उनका जो फेस था मतलब कॉम्प्लेक्शन एकदम फेयर था, बट आजकल मैम थोड़ा सा कुछ महीनों से बहुत जो है कॉम्प्लेक्शन जो है डल हो रहा है, तो काइंडली इसके लिए कोई एडवाइस दें मैम। हाँ जी, अगर आपके जो पिंपल के जो दाग हैं और पिंपल्स को कम करने के लिए बेस्ट रहेगा कि आप मैंगो एप्लीकेशन करिए। सी, मैंगो में ऐसे बीटा कैरोटिन्स होते हैं जो आपके पिंपल्स को आने से रोकेंगे भी, एंड साथ ही साथ जो आपके दाग धब्बे हैं उसको भी कम करेंगे। एंड आई थिंक आप एक स्क्रब यूज कर सकते हैं, आप एलमंड्स बादाम जो होते हैं आप उनको एक रात भिगो कर रख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट डे आप उसकी पेस्ट बना लें एंड उसी के साथ थोड़ी सी डालें, क्योंकि आपको पिंपल्स होने की काफी ज्यादा टेंडेंसी रहती है, इसलिए नीम के पत्ते या फिर जो निम्बोड़िया नीम के जो फ्रूट्स होते हैं आप उसको भी मैश कर डाल सकते हैं, एंड उसके साथ ही साथ थोड़ा सा रोज वाटर एंड कच्चा दूध इन सबको मिला लीजिए, एंड इसको फेस पे अप्लाई करेंगे तो फेयरनेस भी आएगी साथ ही साथ ग्लो भी आएगा एंड आपके पिंपल्स वापस रिपीट नहीं होंगे। तो चलिए, इतने सारे टिप्स मिल रहे हैं और आज ज्यादातर दर्शकों की ये प्रॉब्लम है कि पहले कॉम्प्लेक्शन फेयर था, अब थोड़ा सा डार्क हो रहा है, इसका कारण भी जानने की कोशिश करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जी जरा। और आज हम बात कर रहे हैं आपकी खूबसूरती की, और खूबसूरती में हम बात कर रहे हैं फ्रूट्स की, यानी कि फ्रूट्स कैसे आपकी खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए हमारे साथ इशिका तनेजा जी जुड़ी हुई हैं स्टूडियो में, जो आपको दे रही हैं कुछ टिप्स। इशिका, ब्रेक पर जाने से पहले दर्शक थे जिन्होंने बताया था कि उनकी वाइफ का कॉम्प्लेक्शन पहले फेयर था, अब डार्क हो गया, और ऐसे कई कॉल्स आज हमारे पास आए हैं, इसका कोई खास कारण? सी, बहुत सारे रीजंस होते हैं टैनिंग या पिगमेंटेशन के। सबसे पहले कि आप अपने स्किन को कितना एक्सपोज कर रहे हैं सन के लिए। अगर आपका काफी बाहर का रूटीन रहता है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप फ्रूट्स तो अप्लाई करिए, पपाया खाइए, लेकिन साथ ही साथ हर रोज के बेसिक स्क्रब्स एंड अपने ब्यूटी रिजीम में फ्रूट्स को इंक्लूड करिए। लेकिन सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ आपको टैनिंग से नहीं बचाती है, लेकिन सन के जितने भी हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उनसे भी बचाती है, स्किन कैंसर से भी आपको प्रोटेक्ट करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, आपका अगर वाइफ प्रेग्नेंट हुई है या फिर उनका मेनोपॉज होने वाला है, या फिर कोई अगर यंग लड़की है उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल काफी इवन नहीं चल रहा है, उससे भी पिगमेंटेशन एंड टैनिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए, तमाम कारण हैं आपके कॉम्प्लेक्शन को डार्क करने के लिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि कई ऐसे कारण हो सकते हैं। इशिका, आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी, फ्रूट्स की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आपको डेली रूटीन में फ्रूट्स लाने हैं तो क्या एक डाइट स्ट्रक्चर होना चाहिए डेली रूटीन का? सी, आई वुड सजेस्ट यू कि आप सभी जब भी सुबह उठते हैं तो अगर आप स्लिम ट्रिम एंड हेल्दी रहना चाहते हैं तो गर्म पानी, उसके साथ एक नींबू एंड थोड़ा सा शहद, ये डिटॉक्सिफाई भी करता है, आपके स्किन को इम्प्रूव भी करेगा, ग्लो लेकर आएगा फेस के अंदर। एंड आफ्टर दैट आप एक फ्रूट जूस ले सकती हैं, जो आप बेसिक ब्रेकफास्ट करती हैं, जिसके अंदर हाई फाइबर रिच डाइट हो, लाइक आप ओट्स, दलिया, पॉरेज, ये सब इंक्लूड कर सकती हैं। उसके साथ एटलीस्ट वन फ्रूट एंड कोई भी मिल्क प्रोडक्ट, चाहे आप दही लीजिए, आप दूध लीजिए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स। आफ्टर दैट एटलीस्ट आप टू पोर्शंस ऑफ फ्रूट्स जरूर रखिए। जब भी शाम को आपको भूख लगती है या रात को सोते वक्त आपको भूख लगती है तो आप फ्रूट्स प्रेफर करिए रादर देन प्रेफरिंग एनीथिंग एल्स। खाने से पहले थोड़े से सैलड्स कंज्यूम करिए, ताकि उसको आपको मिनरल्स एंड फाइबर मिल सके एंड आप अपनी डाइट कंट्रोल में भी रख पाएंगे। छोटे छोटे पोर्शंस ऑफ डाइट रखिए, बहुत ज्यादा एक बारी में ना खाइए, चाहे दिन भर पूरा दिन खाते रहिए, लेकिन छोटी छोटी मील्स वुड बी प्रेफरेबल। सौम्या अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है, सौम्या अपना सवाल कीजिए। हेलो मैम, मुझे ये पूछना था, मेरे फेस पे बहुत सारे ब्लैक स्पिल हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, पूरी बॉडी पे अब बढ़ रहा है, और मेरा पहले कलर बहुत फेयर था, अब डल होते जा रहा है, तो इसके लिए कुछ बताइए। जिस ब्लैक तिलों की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वो फ्रेकल्स हैं, एंड फ्रेकल्स यूजुअली दो ही रीजंस की वजह से होते हैं, या तो आपका सन के साथ एक्सपोजर काफी बढ़ गया है तो आप प्लीज सनस्क्रीन लगाइए सो दैट आपके फ्रेकल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज ना हो, या फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से फ्रेकल्स आते जा रहे हैं, तो आप अपना हार्मोनल चेकअप जरूर कराइए, एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसको रोकने के लिए आप एक मिक्स फ्रूट पैक में आपको बताऊंगी, जिसके अंदर आप चंदन पाउडर, मुल्तानी मिट्टी एंड क्रश्ड स्ट्रॉबेरीज, कीवीज एंड साथ ही साथ अगर शहतूत आपको मिल सके, शहतूत बहुत ही अच्छा होता है फ्रेकल्स के लिए, आप उसको भी डेली लगाइए एंड फ्रेकल्स काफी कम हो जाएंगे। किरण अगली कॉलर हमारे से जुड़ी हुई है फोन लाइन पर, किरण अपना सवाल कीजिए। किरण, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो अपना सवाल कीजिए। जी, मैंने छाया के बारे में पूछना था। जी, किसके बारे में? मुंह पे छाया बहुत हो रही थी, उसके बारे में पूछना था। झाइयां बहुत हो रही हैं इनको, झाइयां या पिगमेंटेशन। सी, पिगमेंटेशन के लिए बेस्ट इलाज रहता है कि आप रॉ पपाया, जो रॉ पपीता होता है उसके अंदर पैपेन होता है, आप वो लगाइए रेगुलरली, तो आपकी झाइयां काफी कम होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर रोज एप्पल खाइए, उससे भी आपके जो पिगमेंटेशन है रिड्यूस होता है। तो आप ये सब चीजें लगा सकते हैं और अपना जो फेस का पिगमेंटेशन है वो दूर कर सकते हैं। इशिका, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी, सीजनल फ्रूट्स की अगर हम बात करें, क्योंकि कई ऐसे फ्रूट्स हैं जो अलग अलग स्किन टाइप्स के लिए आप बता रही हैं लेकिन वो आजकल अवेलेबल नहीं होते, अगर हम सीजनल फ्रूट्स की बात करें और मौसम के हिसाब से बात करें, तो इन दिनों कौन सा फ्रूट जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं डेली, जो हमारी स्किन को अच्छा दिखाएगा, ग्लो भी आएगा और हमारी स्किन हेल्दी रहेगी? सीजनल फ्रूट्स आपके जो भी हों,
हमेशा नेचर इज सो काइंड कि वो हमेशा परफेक्ट बैलेंस में ही आपको फ्रूट्स देती है। हर सीजन में आपको ऐसे फ्रूट्स जरूर मिलेंगे जो ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं एंड ड्राई स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर मैं मेलन्स की बात करूं, वाटरमेलन आपकी ड्राई स्किन के लिए बिल्कुल अमेजिंग रहेगा। एंड अगर आप विंटर फ्रूट्स में आ जाते हैं तो जितने भी आपके मौसमियां हैं, ऑरेंजेस हैं, ग्रेप फ्रूट्स हैं, वो आपके ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। एंड ड्राई स्किन के लिए उस टाइम पे जितनी भी चेरीज हैं, पपायाज हैं, बनानाज हैं, मैंगोज हैं, ये सारे के सारे ड्राई स्किन के लिए एक्सेलेंट रहते हैं। संदली एक कॉलर जुड़ी हुई है हमारे साथ। संदली सवाल कीजिए अपना। संदली अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो अपना सवाल कीजिए। हाँ, मेरा सवाल है चेहरे पे जो पिंपल्स होते हैं उसके बाद जो पिगमेंट वो क्या कहते हैं वो दाग रह जाते हैं और जो गड्ढे रह जाते हैं, मैम उनका कोई सॉल्यूशन है? जी, जो गड्ढे हैं उनके लिए बेस्ट है कि आप टमाटर लगाइए। टमाटर को क्रश करके लगाना है, पीस कर नहीं लगाना है। जैसे आप रगड़ कर जो क्रश करते हैं उससे लाइकोपेन के निकलना ज्यादा हो जाता है इन टमेटोज। आप उसको लगाइए, उससे ओपन पोर्स खत्म होंगे, आपकी स्किन टाइटनिंग होगी, साथ ही साथ फेयरनेस भी आएगी। एंड जो आपके दाग हैं पिंपल्स के जो रह गए हैं, आप पाइनएप्पल जूस एंड मुलट्ठी के पानी को मिलाकर अगर आप लगाएं तो उससे आपके पिंपल्स के दाग काफी कम हो जाएंगे विद इन अ वीक। जी इशिका, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। कई बार हम किसी फंक्शन में जाते हैं या फिर किसी किसी पार्टी में जाते हैं तो मेकअप अप्लाई करते हैं अपने फेस पर, क्या कोई ऐसा भी आप कोई फ्रूट रेमेडी बताएंगी जिससे आपके जो मेकअप से ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है आपकी स्किन पर रहा हो या आपको मेकअप सूटना क्या हो, क्या ऐसी कोई फ्रूट रेमेडी है जिससे वो चीज अवॉइड हो सके? आई थिंक जब आप मेकअप उतार लेती हैं तो आप अपनी स्किन को बिल्कुल रिफ्रेश और टोन करना चाहती हैं, उसके लिए बेस्ट रहेगा कि आजकल वाटरमेलन्स बहुत आराम से अवेलेबल हैं, खीरा हमेशा ही अवेलेबल होता है एंड रोज वाटर हमेशा ही अवेलेबल होता है। आप इन तीनों का मिक्सचर अपने क्लोजेट में रख सकती हैं, किचन में रख सकती हैं या फिर जहाँ पे आप नहाती हैं, इन तीनों का मिक्सचर रखिए, स्प्रे कर लीजिए एंड दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। तो चलिए, बहुत ही आसान तरीके हैं अपनी स्किन को पर निखार लाने के लिए। आपकी स्किन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आप फ्रूट्स अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस में, और जैसा कि हमने पहले भी कहा आपको किसी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है, ढेर सारा टाइम वहां पर आपको बिताने की जरूरत नहीं है, पैसा भी आपका ऑलमोस्ट कम ही खर्च होगा तो ज्यादा जेब भी आपकी ढीली नहीं होगी। तो इशिका जी, इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो चलिए फिलहाल जीले जरा में मेरे साथ इतना ही, आपसे कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।